कोलकाता के कई जगहों पर इन दिनों धड़ल्ले से ऑनलाइन लॉटरी की दुकानें चलाई जा रही है। पुलिस के नाक के नीचे अवैध कारोबार का धंधा भी फल फूल रहा है। इसी कड़ी में आज कोलकाता में ऑनलाइन लॉटरी कारोबार की आड़ में जुए के धंधे से जुड़े लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, कोलकाता पुलिस की गुंडा दमन शाखा ने बुंदेल रोड स्थित एक दुकान से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ऑनलाइन लॉटरी की दुकान में जुए का धंधा चलाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने बीती रात छापेमारी की, जहां से कंप्यूटर बोर्ड और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2011 में सभी ऑनलाइन लॉटरी पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन की ओर से भी बड़ा बाजार के सभी ऑनलाइन दुकानों को बंद करवा दिया गया था। हालांकि बीते कुछ महीनों से एक बार फिर यह गोरख धंधा पैर पसार रहा है। एक समय प्लेविन लॉटरी के कारण सैकड़ों लोग कंगाल हो गए थे, एक बार फिर यह गोरख धंधा पनप रहा है। कोलकाता के कई जगहों पर इन दिनों धड़ल्ले से ऑनलाइन लॉटरी की दुकानें चलाई जा रही है। पुलिस के नाक के नीचे अवैध कारोबार का धंधा भी फल फूल रहा है। इसी कड़ी में आज कोलकाता में ऑनलाइन लॉटरी कारोबार की आड़ में जुए के धंधे से जुड़े लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, कोलकाता पुलिस की गुंडा दमन शाखा ने बुंदेल रोड स्थित एक दुकान से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ऑनलाइन लॉटरी की दुकान में जुए का धंधा चलाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने बीती रात छापेमारी की, जहां से कंप्यूटर बोर्ड और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2011 में सभी ऑनलाइन लॉटरी पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन की ओर से भी बड़ा बाजार के सभी ऑनलाइन दुकानों को बंद करवा दिया गया था। हालांकि बीते कुछ महीनों से एक बार फिर यह गोरख धंधा पैर पसार रहा है। एक समय प्लेविन लॉटरी के कारण सैकड़ों लोग कंगाल हो गए थे, एक बार फिर यह गोरख धंधा पनप रहा है।